हर कोई अपनी ज़िंदगी के कुछ खास पलों को जैसे बर्थडे या प्री वेडिंग शूट को यादगार बनाना चाहता है, जिसके लिए वो ऐसी जगहों को चुनता है जो ज़िंदगी भर याद रहे। तो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके इन्हीं पलों को यादगार बनाने के लिए मेट्रो ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत आप अब मेट्रो कोच के अंदर पार्टी कर सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब आप मेट्रो कोच के अंदर अपने हिसाब से सेलिब्रेशन कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशन जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि फ़ोटो खींचना मना है, इसी मेट्रो के कोच में आप पार्टी कर सकेंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। फिलहाल आपको ये सुविधा अभी नोएडा मेट्रो में ही मिलेगी, यानी एक्वा लाइन पर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के कोच में बर्थडे पार्टी और प्री वेडिंग शूट भी करा सकते हैं। ये दोनों सेलिब्रेशन आप चलती या खड़ी मेट्रो में भी कर सकेंगे। बस आपको मेट्रो का कोच बुक करने के लिए हर घंटे के हिसाब से पेमेंट करना होगा। खबर के मुताबिक बुकिंग कंफर्म होने के बाद प्रति घंटे 5,000 से 10,000 रुपए तक की रकम जमा करानी होगी। इसके अलावा बुकिंग कराने वाले को सिक्योरिटी मनी के तौर पर 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा मनी भी जमा करानी होगी, जो कि बाद में वापस हो जाएगी। और तो और, अगर सेलिब्रेशन मेट्रो की रोजाना की टाइमिंग के अकॉर्डिंग होना है या फिर रात के 11 बजे से 2 बजे तक होना है, इसका विकल्प चुनने का अधिकार भी आपके पास है। आपको बता दें कि कोच में अधिकतम 50 लोग रह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि एक सेलिब्रेशन के लिए एक कोच काफी हो सकता है। तो हम बता देते हैं कि इसकी कुछ नियम भी हैं, कुछ शर्तें भी हैं और फीस भी है। आइए जानते हैं उन फीस और नियम। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से डिपो स्टेशन तक राउंड ट्रिप बिना सजावट के रेगुलर रनिंग मेट्रो कोच 8,000 रुपये प्रति घंटा। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से डिपो स्टेशन तक राउंड ट्रिप सजावट के साथ रेगुलर रनिंग मेट्रो कोच 10,000 रुपये प्रति घंटा। सेक्टर 51 और डिपो मेट्रो स्टेशन पर खड़ी सजावट की हुई मेट्रो कोच 7,000 रुपये प्रति घंटा। तो फिर हो जाइए तैयार मेट्रो में सेलिब्रेशन के लिए, टाइमिंग आपके हिसाब से होगी, और अपने इस खास दिन को यादगार बनाएं। HS न्यूज़ के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।